हैरत की बात यह है, हिंदुस्तान का कोयला 4000 के अंदर एक टन मिलता है, मोदी जी का जो कोयला है 25 से लेकर 30,000 का मिलता है, 4 गुना 5 गुना ज्यादा दाम देके, क्योंकि इनका दोस्त है एक साहूकार, वो इंपोर्ट करता है। इसीलिए मैं आपको टाइटल दे रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री का काम नहीं कर रहे हो, आपके साहूकार दोस्तों का सेल्समैन बन के काम कर रहे हो। हां बिल्कुल, हम आपका कोई व्यक्तिगत निंदा नहीं कर रही है, आपका जो कोयला इंपोर्ट पॉलिसी है उस पर हम आपको दोषी ठहरा रहे हैं। अगर आप दोषी नहीं है, आप सही है, तो कल उत्तर दीजिए। कल के आम सभा जो बड़े हिंदुस्तान के आपका सारा फौज उतार के आप आयोजित कर रहे हो, खुशी की बात है, कीजिए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस सभा के दौरान जो आपका भाषण होगा, जो सवाल आज हम खड़े कर रहे हैं देश के जनता के तरफ से, इनका उत्तर हम आपसे चाह रहे हैं, क्लैरिफिकेशन हम चाह रहे हैं। अगर आप निर्दोष हो तो बताइए, देश के सामने रखिए। मेक इन इंडिया, नए उद्योग तो नहीं आए, जो ऑलरेडी है हमारे पास वो भाग रहे, फिएट कंपनी चला गया, फोर्ड कंपनी चला गया, जनरल मोटर्स चला गया, डाटसन चला गया, यूनाइटेड मोटर्स चला गया, हार्ली डेविडसन चला गया, क्या ये सच नहीं है? यह है मेक इन इंडिया का नतीजा? ये तरीका है देश चलाने का? इन चीजों से देश का विकास होगा? विकास नहीं, सत्यानाश होगा। अगर ये माहौल ऐसे ही बने रहे, पूंजीपति अपने निवेश को विथड्रॉ करे, हमारे देश से इंडस्ट्री भाग रहा है, निवेश का ड्रेन हो रहा है, हम स्पेक्टेटर बने रहेंगे, देश का सर्वनाश होगा। बड़ा ही दुख होता है, हो क्या रहा है और प्रचार क्या किया जा रहा है, ये कितनी गलत बात है। हमारे इतने विशाल देश है, विशाल जनता है, 140 करोड़ पे पहुंच रहा है हमारे पॉपुलेशन, इनके साथ जो आप खिलवाड़ा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये देश के हित में अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपने एक भी बात निभाया क्या? आपने कह दिया काला धन वापस लाएंगे, आया क्या मोदी जी? अगर आया तो कहां आया? अरे आखिर हम जानना चाहते हैं कितना काला धन वापस आया भाई। सर झुक जाता है शर्म से, सरकारी आंकड़े बताते हैं काला धन डबल हो गया, दुगना हो गया, काला धन कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन डबल हुआ। स्विस बैंक से पैसे नहीं आए मोदी जी के कालखंड में, दुगना हो गए, डबल हो गए, ये रिपोर्ट्स है, ये हमारे आरोप नहीं है, हकीकत है। ये सारे देश और दुनिया जानता है कि यही विकास है, यही आपका महान कार्यकर्ता है। एक भी वादा, कम से कम एक, भाइयों बहनों 2022 तक कोई आदमी, कोई कुटुंब ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके पास मकान नहीं हो। दिया? हम तो 2022 में आ गए, मोदी जी अभी नहीं पहुंचे 2022 में, बड़ी अजीब बात है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, मोदी जी का एक पॉपुलर नारा, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो इतना खा गए, इतना खिला रहे आपके साहूकारों को,
घोटाले लाखों करोड़ों में जा रहा है। हाँ पूरा है, रखेंगे हम भी देश के जनता के सामने सही वक्त में, बिल्कुल है। किस किस देश से किस किस आपका व्यापारियों का आपने सेल्समैन बनकर काम किया, उसके पीछे कितने बड़े बड़े घोटाले हैं, देश जान चुका है मोदी जी। आप डरा धमका के कितनों के आवाज दबाओगे, कितनों को रोकोगे? भ्रष्टाचार बढ़ गया देश में, घोटाले बढ़ गए, बैंक के लुटेरे बढ़ गए, एनपीएस का लेवल इस कद में बढ़ा। मोदी जी आपसे पहले नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स का जो गिनती है वो सिर्फ 4-5 लाख करोड़ में थे, आज एनपीएस का क्या दर है? 20 लाख करोड़। ये है विकास मोदी जी, इस्तीफा दिया आपने देश को, क्या ये भी गलत है? हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, आप ही के बताए हुए आंकड़े कह रहे हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है। दीज फिगर्स आर नॉट माइन, दिस फिगर हैज बीन गिवेन बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज एन आंसर टू द क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। द रेट ऑफ एनपीएस इन इंडिया टुडे इज अबाउट 18.6 लाख करोड़, पता नहीं उसके बाद में और कितने बड़े। दिस इज द रिप्लाई बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आपके गतिशील विकासशील नीतियों का नतीजा है क्या? किस चीज का यह नतीजा है? आपके गलत कारनामों से, गलत उसूलों से, गलत फैसलों से देश का मान मर्यादा गिर रहा है, जीवन प्रमाण गिर रहा है, लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, ये सच है। 15 लाख देंगे हर किसी के खाते में आ जाएंगे, 15 पैसे नहीं है, लोग इंतजार कर रहे हैं, कभी कह रहे मोदी जी हम तो आपको वोट देते रहेंगे 15 लाख जब तक हमारे खाते में नहीं है, आशा है कि आप देंगे, कभी गा रहे हैं आपके गुणगान। किसी भी वादा उद्योगपतियों के साथ, छोटे उद्योगों के साथ आपने जो वायदा किया, एमएसएमई को 1 घंटे के अंदर लोन देंगे, महीनों भर भी इंतजार करें नहीं मिलता, बस आपका वादा वादा रह गया। मोदी जी आप जब रुपया गिर रहा था, जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आप अपने गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे। आज रुपये का वैल्यू क्या है मैं पूछ रहा हूं आपसे, कल उत्तर दीजिए। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे नीचा वैल्यू किसी प्रधानमंत्री के समय में नहीं हुआ, ये भी आपको शोभा देता है प्रधानमंत्री जी? 79 रुपीस यूएस डॉलर के प्रति आज हमारा रुपी के वैल्यू है 79 रुपीस। अरे बाप रे, ये देश का हालत को बता रहे, आपका कितना महान एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका ये नतीजा है? आप ही कह रहे थे, मैं जानना चाहता हूं भाई, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का नहीं गिरता, सिर्फ भारत का ही क्यों गिरता? हम जानना चाह रहे हैं मोदी जी, आज भारत का ही रुपया क्यों गिरता? हम भी आज जानना चाह रहे हैं, देश जानना चाह रहे हैं, किसी प्रधानमंत्री के समय में इतना नीचे नहीं गया रुपी वैल्यू जितना आपके समय में जा रहा है, और फिर भी आप बोलते हैं आपका डोल बचाओ। क्या यह सच्चाई नहीं है? अगर आप निर्दोष हो इसका उत्तर दीजिए, कल के सभा में जनता को बताइए, हम खुलेआम पूछ रहे। न मकान दिए, न दुकान दिए, न वादा किया गया पैसे दिए, न नौकरी दिए। 2 करोड़ नौकरियां हर साल। अब हैरत की बात यह है, नया तो नहीं मिले,
लेकिन जिस कदर आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, LIC जैसे संस्था को भी बेच रहे हैं, नवरत्ना को भी बेच रहे हैं, लोगों को रोड पे लाया जा रहा है, नया तो नहीं मिले लेकिन है, जो मौजूदा है वो भी जा रहे हैं। ये मेरा बात नहीं, सारे देश ये बात जानता है। अब इतनी बड़ी लिस्ट है जो पढ़ के मुझे हमारे मसूना चारी साहब ने लिख के दिया। मैंने बोला चारी साहब कुछ बैठ दीजिए, यशवंत जी आ रहे हैं, सभा है, अब इसको पढ़ दूं तो और 2 घंटे लगेगा, पढ़ना चाहिए, बाद में पढ़ेंगे, बहुत समय है। मोदी जी आपका कालखंड में इतनी खूब, एक भी काम आप कामयाब नहीं रहे, एक भी काम। आप अपने आप को रिव्यू कीजिए एक बार, मन से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए क्या हो रहा है। गंगा जी को बहुत पवित्र मानते हैं हम लोग, गंगा जी का पानी पूजा पाठ में हम इस्तेमाल करते हैं, इतनी पवित्रता, इतनी मान्यता। गंगा जी में अपने बुजुर्गों का अस्थि निमज्जन करते हैं हम लोग। हां, इस बात में मोदी जरूर, मोदी जी का एक बहुत बड़ा विकास इन्होंने किया है, पवित्र गंगा में इन्होंने अस्थि नहीं बल्कि मानव शरीर को ही बहा दिया, शव बहे, हजारों के तादाद में शव बहे। कोरोना कंट्रोल में पूरी तरह से आप फेल्यूर हो गए, लाखों लोगों का मृत्यु का आप कारण बने। सडनली जो ओवरनाइट आपने लॉकडाउन अनाउंस किया, आजादी के बाद द लार्जेस्ट ट्रॉमा फेस्ड बाय द इंडियन पॉलिटी, यू मेड द पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, क्रोर्स ऑफ पीपल टू वॉक ऑन द रोड्स। दुख होता है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कोरोना का समय में ये कर रहे थे, मैंने सुझाव दिया था यशवंत जी, बड़ा दुख होता है। मैंने कहा भाई ट्रेन तो दे दो, कम से कम उनको भेज देते हैं, ट्रेन चालू करो। शर्म की बात तो यह है, उतने गंभीर समस्या जनता फेस कर रही थी, दुखी थी जनता। मोदी जी कहता फ्री ट्रेन नहीं देंगे। यशवंत साहब, आप जिस राज्य से आते हैं वहां का भाई बंधु हमारे पास कई इलाकों में काम करते हैं, लाखों लोग बिहार से, झारखंड से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, तेलंगाना में काम करते हैं कईयों फील्ड्स में। मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया भाई मोदी साहब नहीं दिए नहीं दिए, लेकिन हम है तेलंगाना राज्य के सरकार है, हम आप लोगों को तेलंगाना राज्य के विकास के प्रतिनिधि मानते हैं, आपके पसीना से, आपके मेहनत से तेलंगाना का गति प्रगति बढ़ती है, तो इसीलिए हमने हमारे लोगों के साथ उनको मुफ्त राशन दिया, दवाई दिया, फ्री ट्रेन 178 ट्रेन तेलंगाना सरकार के ओर से बुक करके वो घर पहुंचे तक उनको हर चीज, वाटर बॉटल्स के साथ, खाने के साथ, उनके जेब में 1,000 रुपए देके हमने उसको विदा किया। यह है मोदी जी का नीति, देश के जनता के साथ, केंद्र सरकार, देश के जनता के प्रति मोदी जी का यह प्रेम है। फ्री में ट्रेन भी अरेंज नहीं करते जब जनता दुखी है, करोड़ों जनता, एक दो नहीं करोड़ों में। हर चीज, हर पॉलिसी देश को नष्ट कर रहा है। इंटरनेशनल इंडेक्सेस है, हर इंडेक्स में गिरावट, पहले से बुरा हाल, बद से बदहाल, बद से बदतर होते जा रहे हैं। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में हमारे स्थान 80 पर था, माननीय मोदी जी के कालखंड में
131 पे पहुंच गए। यह आपका मिसरूल का नतीजा है। हंगर इंडेक्स में हमारे भारत का स्थान 63 था, आज मोदी जी के बदौलत, मोदी जी के महान कार्यकर्ता का निशाना है, हम 101 पे पहुंच गए, फ्रॉम 63 टू 101। इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, हिंदुस्तान का जगह 85 था, 85, आज हम पहुंच गए 119, यहां पे भी गिरावट। बेरोजगारी एवर हाईएस्ट इन द हिस्ट्री, मोदी जी आने से पहले इसका दर, इसका परसेंटेज, इट वॉज एट 5.6% अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। टुडे इट इज, महान मोदी जी के महान एडमिनिस्ट्रेशन का नतीजा यह है, एवर हाई इन द कंट्री, 8.1% पे पहुंच गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये भी आंकड़े हमारे नहीं है। प्रेस फ्रीडम, भारत का स्थान 131 था, आज 142 पे पहुंच गया। और आपने बड़ा मेहनत करके मोदी जी, गोदी मीडिया भी आपने सृष्टि किया भारत में, तो सारा देश जानता है। हैप्पीनेस इंडेक्स 111 हमारा स्थान था, मोदी जी के प्रभाव से 136 पे पहुंच गया। एनवायरमेंटल इंडेक्स में 180 देशों को गिना गया था, हमारा नंबर 180 आ गया। बॉटम कंट्री, ये हमारा देश का हालत है, ये आपका कार्यकर्ता है। आपने जिस प्रकार का मजाक उड़ाया देश का, देश के जनता का, जिस प्रकार का गिरावटें देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसे हर चीज खराब होते जा रहे हैं। कईयों बातें एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? सक्सेसफुली किलिंग द डेमोक्रेसी एवरी डे। सक्सेसफुली किलिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। राज्यों के सरकार को सताना, जो इनके बात नहीं मानते उनको गिराना, इतने महान लोग हैं, ये एक आश्चर्यजनक बात है सर, आश्चर्यजनक। यहां महान केंद्रीय मंत्री है जो मोदी साहब के क्लासेस सुन के ट्रेंड है, बड़े महान मंत्री देख रहे। केंद्रीय मंत्री आज हैदराबाद में कह रहे, बड़ा आश्चर्य होता है साहब, यहां पे 119 एमएलए सीट है जिनमें से हम और हमारे फ्रेंडली पार्टी मिलके 100 सीट हम जीत लिए थे। 88 तो हम जीते थे, 95 सीट हम जीते थे, थ्री फोर्थ मेजॉरिटी। उसके बाद में हमारी संख्या बढ़ी, आज टीआरएस के एमएलए से 103 104, और हमारे एक फ्रेंडली पार्टी है उनके एमएलए 7। और माननीय केंद्रीय मंत्रीगण जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में जैसा सरकार गिराए तेलंगाना में देखने को मिलेगा, तेलंगाना सरकार भी गिराएंगे। ठीक बात है, गिराइए। हम भी इंतजार कर रहे हैं उस बात का, ताकि हम फ्री हो जाए, आपको दिल्ली से उतार देंगे। हमेशा हमेशा क्रांति का रास्ता क्राइसिस से ही बनता है। तेलंगाना एक ऐसा समाज है यशवंत जी, 60 साल लड़के अपने अस्तित्व को, अपने गरिमा को बनाए रखने के लिए
तेलंगाना का जनता ने 60 साल लड़ी है, आखिरकार अपने बलबूते अपने राज हासिल करके आज आगे बढ़ रहा है आप सब लोगों के आशीर्वाद से। एक जंग और लड़नी पड़े, तेलंगाना कभी पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ भारत का अपमान इस कदर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे हमें बहुत बड़ी चिंता है। करोड़ों लोग हमारे लोग बाहर अपना जिंदगी जीते हैं, छोटा मोटा बड़ा, कुछ ना कुछ नौकरी, करोड़ों कई करोड़ है। जिस प्रकार का द्वेष, विद्वेष, डिवीजन, हेट्रेड युवाओं का सोच विचार को आप पोल्यूट कर रहे हैं, यह देश के लिए अच्छा है? मोदी जी, मैं कह रहा हूं, हमारा इतिहास है, हमारे परंपरा है, हमारा देश का गरिमा है, सहनशील देश है, हमारे सहिष्णुता है, हमारा संस्कार रही है, जीवो और जीने दो। आप आधा पेट खाओ लेकिन अगला को खिलाओ। शास्त्री जैसा महान नेता उपवास रखने के लिए कहा, सब देश के लिए, देश के गरीबों के लिए। जो अमीर लोग हैं, हफ्ते में एक बार का खाना बंद करके गरीबों को दो। ऐसे महान नेता थे। आज किस प्रकार के नेता हम देख रहे हैं? इधर खुदवाई करो, उधर खुदवाई करो, यह है देश भारत? किस भारत का सपना आपने बताया चुनाव के दरमियान, और किस प्रकार का नजारा आप आज दिखा रहे हैं? आपका प्रदर्शन किस प्रकार का विष द्वेष जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गिर रहे हैं, भारत देश का अपमान हो रहा है, जो आगे के लिए अच्छा नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर द कंट्री, बिल्कुल। डेमोक्रेसी इज किल्ड, फेडरलिज्म इज किल्ड। कानून बदल के, रास्ते बदल के, राज्यों के पैसे छीन लो, टैक्स को सेस में बदलो। यशवंत जी, करीब 30 लाख करोड़ जिनमें से राज्यों को हिस्सा देना था टैक्स, इन्होंने टैक्स को नाम दिया सेस। आप जानते हैं, यू नो इट वेरी वेल, बिकॉज यू आर द ग्रेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू नो द इनसाइट्स। करीब 30 लाख करोड़ अकेले ही ले लिए। हैरत तो इस बात की है, जिनको पूरे देश ने मान्यता दी है और विदेशों में भी, जब हम जाते हैं किसी विदेश में, कहीं गए किसी जगह, भाई आप कहां से हो? आई एम फ्रॉम इंडिया। अच्छा, यू आर फ्रॉम गांधीज प्लेस, मिस्टर गांधीज प्लेस, द ग्रेट पीस मैसेंजर मिस्टर गांधी, द मैसेंजर ऑफ नॉन वायलेंस, द फादर ऑफ द नेशन। अरे, आपका इतना मतलब इंपेशेंस, फादर ऑफ द नेशन को भी आप लोग अपमानित करते हो? फादर ऑफ द नेशन, स्वच्छ भारत मिशन में गांधी जी का ऐनक लगाते, गांधी जी के समाज पे आप नाटक करते प्रदर्शन, और आपके लोग गांधी जी का कितना अपमान करते हैं हर दिन। इस चीज के बारे में क्या मोदी जी आपको मालूमात नहीं है? क्या आप इतने दुर्बल प्रधानमंत्री है, कमजोर प्रधानमंत्री है, इनको कंट्रोल नहीं कर पाते? गांधी जी को हमारे देश में हमारे देशवासी अपमानित करे, ये अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर झुकाने की बात है, भारत के गरिमा को कम करने की बात है। ये भारत के इज्जत को बढ़ावा नहीं देगा। क्या कहेंगे दुनिया हमको, बाहर देशों में क्या कहेंगे लोग हमको? हमारे जिनको हमने जाति पिता, जो फादर ऑफ द नेशन कहा, हम खुद उनके अपमान करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गरिमा क्या होगा? इतना भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है मोदी जी?
आप अंदर से उचका रहे हो, बाहर नाटक कर रहे हो, देश जान गया आप क्या है। अनवांटेड और आपके नीति देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री के समय जब सारा दुनिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है, चुनाव के प्रक्रिया को लेकर चला रहे, हमारे जैसे कई देश हैं जहां चुनाव के साथ चुनाव के जरिए सरकारों को चुने जाते हैं, और किसी भी प्रधानमंत्री कभी भी ये गलती नहीं करे कि दूसरे देशों के चुनाव के संदर्भ में हम दखलअंदाजी ना दे। पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, जब दुनिया के साथ जीना है हर देश के साथ हमारे संबंध अच्छे रखने पड़ते हैं। इट्स अ डायर नेसेसिटी ऑफ द कंट्री टू कीप गुड रिलेशंस विद ऑल द नेशंस। मोदी जी की महानता यह है, उनका बुद्धि देखिए, कुशलता। ये गए ह्यूस्टन में अमेरिका में, अमेरिका अध्यक्ष का लड़ाई लड़ने गए और कह दिया वहां पे, अब की बार ट्रंप सरकार। अब ट्रंप गया गंगा में तो भारत कहां जाए। ये नीति है, ये जो काम आपने किया जान के किया या अनजाने में किया मोदी जी, कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसे करेगा कभी भी? आप क्या समझे अमेरिका अध्यक्ष चुनाव को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन समझा? कोई जिम्मेदारी थी जब आप ये बात कह रहे थे? इतना बड़ा देश का क्या कर रहे थे आप, मजाक उड़ा रहे थे आप? ये है जी इनकी नीति, ये है हमारे देश के महान प्रधानमंत्री जो गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, धूम धूम मचा देते हैं छोटी छोटी बात पे। बताइए आपने कहा कि नहीं कहा आपके ह्यूस्टन के सभा में? अगर कहा तो क्यों कहा? मैं तो डिमांड करता हूं देश से माफी मांगिए आप। हां बिल्कुल डिमांड करते हैं, जो अपने भारत के गरिमा को कम किया है। क्योंकि देश को आज सर झुकाना पड़ रहा है। आखिर में ही एक बात कह के अपने शब्द खत्म करूंगा। मोदी जी भगवान है ये मान रहे लोग, ठीक बात है, जो कि अच्छे इंसान को इंसान ही बने रहना चाहिए, भगवान कभी बनना नहीं चाहिए। इंसान को ऐसे ख्वाब कब दिखने लगते हैं? अपने अहंकार जब सर पे आ जाता है तभी ऐसे बातें, ऐसे विकृत, एक मनोवैज्ञानिक विकृति है। मोदी जी एक बात का उत्तर दीजिए, जरूर हम मांग करेंगे। व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी? आपको जनता ने जो मैंडेट दिया 10 साल का दो बार चुनके, आपने 8वां साल का भी बजट पेश कर दिया, यानी 80% आपका कालखंड का समय खत्म हुआ। और आपने बता दिए कि आपने आप में कितनी क्षमता है। यू हैव एग्जिबिटेड योर कैपेबिलिटी एंड योर लेवल ऑफ कैपेबिलिटी, योर कैपेबिलिटी लेवल इज देश में 70,000 टीएमसी पानी की उपलब्धि है। आप कम से कम पीने का पानी भी फराहम नहीं करें जनता को। और शर्म की बात यह है, पीने का पानी देश के कोना कोना तो छोड़ो, देश के राजधानी दिल्ली में भी आप पानी नहीं दे पा रहे। यह आपकी मान्यता है, दिया आपने। हाल ही में मैं जब दिल्ली गया वहां के लोग रो रहे थे, जो पीने के पानी नहीं देने वाला प्रधानमंत्री है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीने का पानी
क्या यही हिंदुस्तान का किस्मत है? आप ना बिजली दे सकते हैं और ना पीने का पानी दे सकते हैं? देश में उपलब्ध सहज रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके देश के जनता को नहीं दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? सिर्फ भाषणबाजी, द्वेष, विद्वेष, विपक्षियों का अपमान, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग, सिवाय इसके क्या मिला है इस देश को? लिहाजा भाइयों, हम सब लोग मिलकर तेलंगाना की लड़ाई लड़े थे लोकतंत्र के आधार पर। खैर, समय लगा लेकिन हमारे मेहनत का फल हमें मिला। मैं आप लोगों से यशवंत सिन्हा का जो कद है, जो एक उत्तम नेता है इस देश का, सिन्हा जी, उनका समर्थन करने का इस सभा में मैं फिर एक बार आप लोगों से अनुरोध करता हूं, एक नए भारत को, अच्छे भारत को, ईमानदार भारत को बनाने के लिए फिर एक जंग हमें लड़ना पड़े। हम आज से ही शुरू करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे हैदराबाद शहर के नेताओं का, यहाँ के मंत्री, यहाँ के हमारे पार्टी के अध्यक्ष गोपीनाथ जी का, रंगारेड्डी मेडचल जिले के भी अध्यक्षों का और मंत्री लोगों का, विधायकों का मैं धन्यवाद देता हूं कि जितना शानदार प्रदर्शन आपने किया है, आज हैदराबाद में लोकतंत्र किला है। द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैव शोन इन हैदराबाद टुडे। द वंडर इज दैट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज स्टिल अलाइव इन इंडिया। एक नहीं बल्कि 1,00,000 मोदी भी लोकतंत्र का, हमारे देश का लोकतंत्र का गला नहीं घोट सकते। इस प्रदर्शन से आज हमने हिंदुस्तान को यही बता दिया, जिसका मुझे गर्व है। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। जिस प्रकार का प्रदर्शन आज आपने किया है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आगे चल के भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छे भारत बने, उज्जवल भारत बने, महान सुहान भारत बने और देश के गरीबों का किस्मत खुले। फिर एक बार हम सबके तरफ से माननीय यशवंत सिन्हा जी का हृदय से मैं स्वागत करते हुए, उनका जीत का मनोकामना करते हुए मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। धन्यवाद।